हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटी जायकेदार ग्रीन चटनी की बहुत ही इजी रेसिपी, जो आप पूड़ी, पकौड़े, चाट, पराठे, कचौड़ी किसी के साथ भी खाएं बहुत ही टेस्टी लगती है। दो मिनट में तैयार होने वाली ये ग्रीन चटनी की रेसिपी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल धनिया के पत्ते और आधा बाउल पुदीना के पत्ते। इन दोनों पत्तों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके पानी में दो तीन बार अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि इनमें मिट्टी हो सकती है। अब हम लेंगे कुछ मसाले, जिसमें है सबसे पहले आधा नींबू, इसका रस हम यूज़ करेंगे, एक इंच अदरक का टुकड़ा, चार पाँच लहसुन की कलियाँ, तीन चार हरी मिर्च, दो पिंच हींग, एक चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, एक चम्मच चाट मसाले का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, सादा नमक स्वादानुसार या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। आप देख सकते हैं हम इन मसालों को यूज़ करेंगे, तो ये मसाले बहुत ज़रूरी हैं। अब हम मिक्सी के जार में सबसे पहले धनिया डालेंगे। फ्रेंड, धनिया की जो डंडी होती है उसमें बहुत फ्लेवर होता है, तो आप इसकी डंडियाँ यूज़ कर सकते हैं, बट जो ऊपर वाली थोड़ी हार्ड होती है वो निकाल सकते हैं, बाकी जो नीचे की जो डंडियाँ होती हैं वो आप यूज़ कीजिए, उसमें बहुत फ्लेवर होता है। और अब हम पत्तियाँ डालेंगे पुदीना की, इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, इसको आप बीच में से काट के डाल सकते हैं, तो तीन चार हरी मिर्च आप डाल दीजिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। अब हम डालेंगे चार लहसुन की कलियाँ, इसके बाद हम डालेंगे अदरक को बारीक काट के, तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए अदरक के, वो हमने डाल दिए। अब हम डालेंगे आधा नींबू का रस, इससे जो चटनी का कलर है वो भी मेंटेन रहता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो कुछ लोग टमाटर यूज़ करते हैं, बट मैंने टमाटर का यूज़ नहीं किया है। अब हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, काला नमक आधा चम्मच, यह है चाट मसाला एक चम्मच। फ्रेंड्स, इससे भी चटनी का टेस्ट बहुत ही यमी आता है। यह है भुना हुआ जीरे का पाउडर एक चम्मच, और यह है दो पिंच हींग, जिससे कि हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। ये चटनी टेस्टी भी बहुत होती है और साथ में हेल्दी भी होती है, तो आप इस चटनी को डेली बना के खा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैं डालूँगी तीन चार चम्मच पानी। तो फ्रेंड, चलिए अब इसको पीस लेते हैं। देखिए, मैंने मिक्सी में चटनी को पीस लिया है और ये तैयार है। कितनी फ्रेश और कितनी ग्रीन चटनी बनी है हमारी, बहुत ही यमी बनी है फ्रेंड्स, और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, एकदम गाढ़ी मज़ेदार चटनी तैयार है। चलिए अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये चटनी आप किसी भी चाट के साथ, कचौड़ी के साथ या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ खाएंगे, आपको बहुत ही यमी लगेगी। या फिर आप डेली खाने के साथ भी इसको ले सकते हैं, जैसे लंच में, डिनर में, सब्ज़ी रोटी के साथ, दाल चावल के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।